But let me tell you, according to the research conducted by scientists, they believe that gaming is actually good for us. Gaming ke kaafi sare benefits hai. Aur aaj ke is video mein, main aapse share karne wali hu, what are the benefits of gaming? So enjoy this video. Aajkal single player action game jaise ki PUBG, Call of Duty, Fortnite, CSGO bahut zyada common ho chuke hai. बट ये रिपोर्ट्स जो आ रही है कि बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, ये भी कोई गलत रिपोर्ट्स नहीं है। इस वीडियो को देखते रहना, वीडियो के एंड में मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं और गेमिंग के मज़े इन्जॉय कर सकते हैं। नंबर वन, गेमिंग इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हाँ, आपने सही सुना, गेमिंग से हमारे जो डिसीजन लेने की ताकत होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब जो लोग पबजी खेलते हैं, आपने तो देखा ही होगा कि जब हम लैंडिंग करते हैं तो एक बड़े सर्कल से हमें सेफ जोन में जाना होता है, तो तभी हमारे पास डिसीजन लेने होते हैं कि शुड वी टेक द बैटल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर हमें दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है कि साउंड सुन के कि ओपोनेंट के पास कौन सी गन है, तो उसके हिसाब से हमें असॉल्ट गन यूज़ करनी चाहिए, SMG यूज़ करनी चाहिए या राइफल या पिस्तौल यूज़ करनी चाहिए। इन सारे चीज़ों से हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि जो लोग गेमर्स होते हैं उनमें काफ़ी हद तक डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। साइंटिस्ट ने जो रिसर्च कंडक्ट किया, वहाँ पे एक ग्रुप गेमर्स के थे और दूसरे ग्रुप नॉन गेमर्स के थे। दोनों को वाइट मूविंग डॉट्स दिखाए गए थे जो इधर लेफ्ट या राइट से आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखा गया कि जो गेमर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक अच्छी थी और वो करेक्टली गेस कर रहे थे कि वो चीज़ें लेफ्ट से आ रही थी या राइट से। सो इज़न्ट इट अ ग्रेट थिंग। नंबर टू, गेमिंग हेल्प्स टू ट्रीट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है रीडिंग और राइटिंग में। पर साइंटिस्ट जो इटालियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे एक्शन गेम्स खेलते हैं फ्यू आवर्स डेली, उनमें काफ़ी हद तक वर्ड रिटेंशन पावर बढ़ चुकी थी। वो काफ़ी ईजीली वर्ड्स को याद करना सीख चुके थे। यही नहीं, उन्होंने एक नया गेम बनाया जिसका नाम है फास्ट फॉरवर्ड। इस गेम को खेलने से बच्चों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। सो गेमिंग इज एक्चुअली अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। नंबर थ्री, गेमिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर आईसाइट। काफ़ी बार तो बच्चों ने ये मुझसे कहा है कि हमारी मम्मी पापा चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं आंखें खराब हो जाएगी, चश्मे लग जाएंगे, अंधे हो जाओगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू 2009 रिसर्च कंडक्टेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर, ये देखा गया है कि जो लोग गेमर्स होते हैं उनकी विजन काफ़ी हद तक बढ़ गई है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी फंक्शन नाम का एक टर्म होता है, जिसको सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो डिस्टिंग्विश करना बिटवीन डिफरेंट कलर्स। तो जो एक ग्रे स्केल होता है उनको काफ़ी हद तक अच्छे से डिफरेंशिएट करना गेमर्स को आता है। ये विजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट में ड्राइव करते वक्त। यही नहीं, बट इस विजन से इतना भी होता है कि लोग जब फॉगी कंडीशंस होते हैं, ड्राइविंग करनी होती है, तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो इज़न्ट इट अ गुड थिंग कि गेमिंग की वजह से एक्चुअली हमारी आईसाइट बेटर हो रही है। नंबर फोर, गेमिंग इम्प्रूव्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एक रिसर्च कंडक्ट किया जहाँ पे उन्होंने देखा जो गेमर्स होते हैं उनकी जो एक्सीडेंट रेट होती है जब वो ड्राइव करते हैं वो काफ़ी कम है कंपेयर टू पीपल हु आर नॉन गेमर्स। यूजुअली अगर आपने सुना होगा कि लोग इंटरसेक्शन पे काफ़ी बार क्रैश कर देते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी पेरिफेरल विजन काफ़ी हद तक कम होती है। जो गेमर्स होते हैं जो सिंगल एक्शन गेम खेलते हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, फोर्टनाइट, उनमें ये होता है कि पेरिफेरल विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो एक जगह पे देखते होते हैं बट एट द सेम टाइम दे नो कहाँ से कौन आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, साउंड कहाँ से आ रही है। सो देयर पेरिफेरल विजन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट। नंबर फाइव,
गेमिंग एनहेंसेस मल्टीटास्किंग स्किल्स. आपने कई बार ये देखा होगा जो गेमर्स होते हैं वो खेल तो रहे होते हैं बट एट द सेम टाइम दे आर लिसनिंग, दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स. और साथ ही में अगर उनके पेरेंट्स पीछे से अगर कुछ बोल रहे हैं बस करो भाई बहुत हो गया गेमिंग, तो उनको ये भी पता है कि कौन से आवाज़ों को अवॉइड करना है. पर एट द सेम टाइम अगर उनके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं सो दे आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू देम. So this is how gaming can actually enhance our multitasking skill. Number 6, gaming slows down aging process. ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिसर्च सिर्फ 50 टू 75 ईयर ओल्ड ने जो कंडक्ट किया था उनके लिए है. सो यूजुअली हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस यूजुअली हैज लॉट्स ऑफ ग्रे मैटर व्हिच इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो गेम खेलते हैं जो गेमर्स होते हैं उनमें ये देखा गया है कि जो हिप्पोकैम्पल रीजन में ग्रे मैटर है उनकी एक्टिविटी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, विच इज़ अ साइन ऑफ एक्टिव ब्रेन, विच इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ स्लो एजिंग प्रोसेस कंपेरेटिवली टू द वंस हु डू नॉट प्ले गेम्स. जो रिसर्च था विच एक्चुअली स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस, ये 3D गेम्स जो होते हैं जैसे कि सुपर मारियो, इनको खेलने से काफ़ी हद तक जो ग्रे मैटर है वो बढ़ जाता है. So don't you think now ki you should start playing with your grandfathers and grandmothers all these games? I don't know, it's your call. You think about it. Number 7. Gaming helps to improve our ability to learn. Yes, you heard it right. According to a recent research jo Queen Mary University London mein kiya gaya, wahan pe unhone kuch participants ko StarCraft naam ka ek game khelne diya jo ki bahut hi fast paced game tha, aur dusre group ko The Sims game diya jo ki kafi slow paced game tha. रिजल्ट में ये देखा गया जिन लोगों ने स्टारक्राफ्ट खेला उनकी मेमोरी काफ़ी हद तक बढ़ गई एंड दे हैड अ बेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी. इजंट इट इंटरेस्टिंग दैट हाउ सच फास्ट पेस्ड गेम्स आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू बी अ बेटर लर्नर्स. थिंक अबाउट इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग कर्व. अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू.